नमस्ते नमस्ते नमस्कार नमस्कार। क्या ना, मतलब दोपहर के 2:30 है और आपके चेहरे इतने अच्छे लग रहे हैं इधर से। मतलब ये सोने का टाइम है और मैं इधर प्रेजेंटेशन दूंगी, इतनी बोरिंग नहीं बनाऊंगी आपकी नून को। तो पहले मैं कुछ भी कहूँ उससे पहले कुछ बात करते हैं, वन साइडेड बात, बिकॉज सबके पास माइक नहीं है तो मैं ही बात करूँगी ऑब्वियसली। तो आज मैं ना कुछ खास करने नहीं आई हूँ, प्रेजेंटेशन तो मैं दे दूंगी अभी बोलते बोलते, पर मैं पहले ना अपनी हिंदी फ्लॉन्ट करने आई हूँ। मतलब हिंदी जो मैं बोल रही हूँ अभी और कुछ बोलूँगी वो फ्लॉन्ट करने आई हूँ, क्योंकि ये हिंदी ना उस जगह से आती है जो मेरी फेवरेट है, आपकी भी होगी, मतलब आपकी पर्सनली और मेरी पर्सनली। एक मेरी जगह है जो मेरा कंफर्ट जोन है और आपकी जगह जो आपका कंफर्ट जोन है, राइट? चलिए आप ही बताइए, आप ही गैस कीजिए कि किस बारे में बात कर रही हूँ मैं। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, जहाँ कहीं भी चले जाओ अंत में याद आता है, है? अरे नहीं ओए, कंफर्ट जोन, इंडिया में कौन सा कंफर्ट जोन है? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, अंत में क्या याद आता है? घर नहीं ओए, नानी का घर। तो मेरा नानी का घर ना मुझे बहुत पसंद है, वो इसलिए क्योंकि वो दिल्ली में है और मैं छोटी थी तब से मुझे बड़े होने का बहुत शौक था और इसलिए मैं दिल्ली जाती, बड़ी वाली दिल्ली में जाती। और फिर 2 महीनों के एंड में गर्मियों की छुट्टी से जब मैं लौटती थी तब अहमदाबाद आके फ्लॉन्ट करती कि मेरी हिंदी तो बेटर है बिकॉज आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो ये मैं बहुत किया करती थी। पर इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेरी नानी का घर ना वो लुटियंस दिल्ली, लोधी गार्डन, जीके कॉलोनी, साउथ दिल्ली में नहीं था। मेरी नानी का घर पुरानी दिल्ली के छोटे से इलाके में था, छोटा सा घर, पता है वो वाला घर जो बहुत सारे घरों में एक होता है, जिसकी कोई खासियत नहीं होती पर कुछ खासियत होती है, जैसे कि एक खिड़की, वहाँ पे बैठो और पूरी बाहर की दुनिया दिख जाएगी। और उस खिड़की से ना काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी दिखती थी, जैसे वो बंदर जो छत पे चढ़ के मिश्रा जी का अंकल का तौलिया लेके भाग रहा है, कि फिर वो सामने वाली आंटी जितनी बार वो तड़का लगाती है इधर तक महक आती है और मैं इधर सूंघ रही हूँ कि वाह आज क्या बनाए घर में, कि फिर वो इंसान, कौन सा इंसान? अब ये इंसान ना कुछ खास था। तो वो इंसान कुछ ऐसा था कि उसे देखकर ही ऐसे अंदर से कुछ होने लगता था। अभी क्या था मैं आपको स्ट्रक्चर समझाती हूँ। मेरा घर दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में, करने के लिए कुछ नहीं था, कंप्यूटर के लिए पैसे नहीं थे, उस ज़माने में फ़ोन नहीं थे, तो बहुत सारा टाइम बचता था कुछ नहीं करने के लिए। तो मैं खिड़की तले बस ऐसे बैठती थी और मेरी खिड़की से भी व्यू में सामने वाला घर ही दिखता था, पर सामने वाले घर में जो वो इंसान था वो व्यू नहीं, वो अपने आप में पूरा का पूरा नज़ारा था। हाय 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 हाय। तो क्या था, ये मेरे घर से सामने वाले घर की किचन की खिड़की दिखती थी। अब किचन में वो तड़के वाली आंटी हमेशा तड़का लगाती थी, पर उनका बेटा एग्जैक्ट 12 बजे वो स्कूल से वापस आता, रोटी तोड़ता, अपनी मम्मी के साथ ठाके लगा के बात करता और मैं इतनी क्यूरियोसिटी में देखती हूँ कि ये लोग बात क्या कर रहे हैं, मुझे भी मज़े लेना है। लंबा, पतला, दुबला, मिलिट्री कट वाले बाल, इतना सुंदर लगता था और मैं बस सोचती रह जाती कि इसके पास टाइम क्यों नहीं है कि इधर मुड़ के एक बार देखे और कहे कि कौन है वो जो दोबारा मुझे ही देखती रहती है। और वो इतना अच्छा था कि मतलब उस ज़माने में मैं जब इतनी छोटी थी तब भी मेरे दिल में से ये आवाज़ निकलती थी कि देखा तैनू पहले पहले बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे, हाय मैनू की हो गया दिल जानिए, हाय मैनू की हो गया। ये बाद में लिरिक्स लिखे गए, फील मुझे उस ज़माने में होता था। तो उसे देख के बस ऐसी चीज़ें होने लगती थी मेरे अंदर। सबसे ज़्यादा मज़े तो तब आते थे जब वो अपने दोस्तों के साथ नीचे गली में क्रिकेट खेलने जाता, दोस्तों के साथ वो क्रिकेट खेलता, वहाँ लाइव मैच चल रही होती और मैं इधर लाइव सपना देख रही होती कि काश उसका बॉल मेरी खिड़की पे गिरे और वो कहे कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है। अफसोस है, ये अफसोस यही है कि ये फिल्मी वाली बातें, और फिल्मी बातें सिर्फ फिल्मों की दुनिया में एग्जिस्ट करती, मेरी दुनिया में नहीं। तो मेरी दुनिया बहुत बोरिंग थी क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ। इनफैक्ट मुझे ये भी याद है, वो ना 12 बजे जब स्कूल से वापस आता था तो नीचे एक साइकिल वाले अंकल आते थे, मैं खिड़की से देखती थी, ऐसे टिंग टिंग आवाज़ करके आते थे, छोले कुलचे लाते थे और वो छोले कुलचे वहाँ पे खाता।
नानी मुझे बाद में जब मार्केट ले गई थी ना, जिद करके मैंने उस साइकिल वाले अंकल के पास से छोले कुलचे खाए, और आज तक छोले कुलचे मेरे फेवरेट है। गर्मियों में जब बहुत गर्मी होती थी तब हम गद्दे लेकर ना ऊपर छत पे जाते थे, छत पे हम तारे देख के सो जाते थे। पर इंस्टेड मैं पूरी रात जगती थी और ये सोचती थी कि क्यों उसको बस कह नहीं पा रही एक बार कि जब आप शाम को खेलने जाते हो क्या मैं आपके साथ खेलने आ सकती हूँ। 2 साल में मैंने कई दोस्त बनाए, बस उसे ही दोस्त नहीं बना पाई। यूँ होता था कि गर्मियों की छुट्टी जब ख़त्म होती थी और मुझे वापस जाना होता था अहमदाबाद, तब दरवाजे से बैकपैक करके मम्मी के साथ मैं अहमदाबाद आने तक का मोड़ ले लेती थी, पर कभी उसके घर का मोड़ नहीं ले पाई। हिम्मत ही नहीं थी। तुझसे मिलना पुरानी दिल्ली में, छोड़ आए निशानी दिल्ली में, बल्ले मारा से दरी बे तलक, तेरी मेरी कहानी दिल्ली में। पर क्या ये कहानी पूरी होगी? खैर, फिर वो साल आया। अब ये वो साल था जब मैं एक्चुअली में बड़ी हो गई। मैं बड़ी हो गई और वो लड़की जो स्कूल में हमेशा बस यूँ शाई सी घूमा करती थी, उसने कुछ नया किया था। उसने स्टेज पर जाके पहली बार स्पीच दी थी, और स्पीच देने के बदले में उसे वाइस प्रीफेक्ट का बैज मिला था। बैज देख के मैं इतनी खुश कि गर्मियों की छुट्टियों में जैसी दिल्ली पहुंची, पहली चीज़ मैंने नानी को दिखाई कि नानी देखो मुझे बैज मिला है वाइस प्रीफेक्ट का। और नानी किचन में गई और मेरे लिए खीर का कटोरा लेकर आई, खीर पूरी चट कर ली। और चट करने के बाद मुझे आया एक आइडिया कि घर में अगर खीर बनी है तो पड़ोसियों के साथ शेयर तो होनी चाहिए। तो 3 कटोरे भरे खीर खीर खीर, एक नीचे वाली आंटी के लिए, एक बाजू वाली आंटी के लिए और एक सामने वाली आंटी के लिए। अब वो खिड़की जहाँ से मैं पूरी की पूरी दुनिया देखा करती थी, पहली बार उस खिड़की पर मैं गई और मैंने आवाज़ लगाई कि आंटी जी दरवाज़ा खोलो, नानी ने खीर बनाई है, मैं आ रही हूँ। और क्योंकि मेहनत करने पर कायनात एक ना एक दिन तो आपकी मान ही जाती है, दरवाजे पे खड़ा था वो। मैं गई वहाँ, दरवाज़ा खुला और मैंने खीर का कटोरा उसके हाथ में थमाया और कहा कि मैं स्कूल में वाइस प्रीफेक्ट बनी हूँ, ये खीर का कटोरा आपके लिए। उसने कटोरा लिया और कहा ओह ओके थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब ये मेरा क्यू था उधर से हटने का, पर मैं हट नहीं पाई क्योंकि बहुत ज़ोर से अंदर से आवाज़ आ रही थी। और मैंने पूछ ही लिया कि आप जब शाम को खेले जाते हो तब क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ? श्योर। आपका नाम? यशवी। और आपका? आयुष। बहुत अच्छा था वो। अब वहाँ से मेरी लव स्टोरी शुरू हुई। पर पता है क्या, मैं इस लव स्टोरी का एंड आपको नहीं बताने वाली क्योंकि वो मैटर भी नहीं करता। और क्योंकि हर लव स्टोरी का एंड ये ही क्यों हो कि प्यार की जीत, दो लोग मिले, कुछ लव स्टोरीज का मॉरल ये भी होता है कि अगर आपको कुछ चाहिए या कोई चाहिए तो हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। आयुष मेरा वो सपना था जिसे मैं खिड़की तले दूर से ऐसे देखा करती थी, मुझे लगता था कि ये अपना है। पर अगर उसे दोस्त बनाना था तो दरवाजे तक तो जाना पड़ेगा ना। तो जितने लोग यहाँ बैठे हो सबका कोई ना कोई तो सपना होगा। इतनी देर से आप मुझे देख रहे थे, अब मैं आपको देख रही हूँ, आंखें बंद करो। नहीं, मैं बोल रही हूँ आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, करो करो, मेरी बंद है पर मैं आपको देख रही हूँ, बंद करो। अपनी आंखें बंद करो और उस सपने को याद करो जिसे आप दूर से खिड़की तले हमेशा देखते हो बड़े प्यार से कि ये मेरा सपना है। बस हाथ आगे बढ़ाने की नीयत रखो, याद रहे एक ना एक दिन दरवाज़ा अपने आप खुलेगा। थैंक यू। जैसे आपने देखा कि हम दरवाज़ों से और खिड़कियों से बहुत प्यार करते हैं और इसलिए हमने एक ब्रांड बनाई है पियरो। अब आप कहोगे कि खिड़कियों में दरवाज़ों में क्या रखा है? तो जी ऐसा है कि दरवाज़े और खिड़की ना पहली स्टेप होती है किसी भी चीज़ में।
अपना लाइफ, जो पर्पस है, जो सपना है, वो पूरा करने के लिए। तो हम है पीआरओ, हम 100% सस्टेनेबल वुड से काम करते हैं, उसी से हम खिड़की और दरवाजे बनाते हैं। हमारा शोरूम है सिंधु भवन पे और आप वहाँ आ सकते हो। और अच्छी चीज़ ये है कि हम कहानियों के साथ आपको आइसक्रीम भी वहाँ पे सर्व करेंगे, और खिड़की दरवाजे ऑफ़ कोर्स देख लेना, अच्छे लगेंगे। थैंक यू।